हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पकाने वाले हैं कद्दू यानी बॉटल गार्ड, जिसे हम बंगाली में कहते हैं लाव। तो हम इससे पहले काट लेंगे। तो भाग में मैंने काट लिया। तो मैं आज लाव का दो रेसिपी बनाने वाली हूँ। एक होगा सब्जी यानी तरकारी और एक होगा इसका भाजी यानी फ्राई। तो चलिए हम मिलके इसे बना लेते हैं, छिलकर फिर इसे काटकर। छिलका को हम फिर यूज़ कर सकेंगे, इसका आलू का साथ इसका फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो इसे हम पहले दो हिस्से में काट लेंगे। तो देख सकते हैं मैं इसे ट्रायंगुलर शेप में काटूंगी, पतले पतले करके। आप चाहे तो इसका मोटा भी कर सकते हैं या फिर इससे भी ज़्यादा पतला इसका साइज में इसको काट सकते हैं। अगर आपका जो कद्दू है अगर फ्रेश होगा तो ये आपका पिघल जाएगा, आपको टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैंने इसको काट लिया। काट कर फिर मैंने इसे वॉश भी कर लिया। तो मेरा कढ़ाई में मैंने बिठा दिया है, कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है और मैं यहाँ तड़का पे डाल रही हूँ सौंफ। हमेशा जो कद्दू है उसमें हमेशा सौंफ जाता है तड़का के लिए, तो मैंने यहाँ पे सौंफ यूज़ कर लिया है। अगर आपके घर में सौंफ ना हो तो आप जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया जो कद्दू काट के रखा था, उसको मैंने डाल दिया कढ़ाई पे। और मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ हल्दी, नमक। जो यहाँ पे मेरा कद्दू है बिना मसाला का होगा, आप चाहे तो थोड़ा बहुत मसाला यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेश कद्दू है तो ऑलरेडी आपका टेस्टी होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया है। मैंने अपना गैस को मीडियम में रखा है और इसे मैं थोड़ी देर बाद बाद में हिलाती रहूँगी। हमें जो कद्दू जब हम पकाते हैं तो इसमें जो हल्दी होता है बहुत ही कम अमाउंट में डालना है आपको, लो अमाउंट में। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा धीरे धीरे ये पकना शुरू हो गया है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है फ्रेश चिल्ली, इसको मैंने दो भाग में इसको काट लिया है। काट के मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। फिर मैं इसे मीडियम फ्लेम में रख के इसको कवर करके फिर पकाती रहूँगी। देख सकते हैं यहाँ पे कितना जूसी बन चुका है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया है। जो भी यहाँ पे आपको जूस दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे वो नेचुरल जूस है, कद्दू का रस है। तो मेरा कद्दू बॉयल हो चुका है, देख सकते हैं। तो मैंने चेक कर लिया, तो इसका जब तक इसका जो पानी है इसका जो रस है जब तक ना सूख जाए तब तक हमें इसे पकाते रहना पड़ेगा। तो हम थोड़ी देर बाद बाद में इसके हिला देंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अदरक को मैश करके डाल दिया। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरा ये कद्दू बन के तैयार होने वाला है। तो मैंने एक बोल ले लिया है, उस बोल में मैं इसे ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। उससे पहले हमें यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता को भी काट लिया है धो करके। तो मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, विंटर में कोरिएंडर के बिना यानी धनिया पत्ता के बिना कोई भी सब्ज़ी टेस्ट नहीं लगता है, तो मैं तो यूज़ करती हूँ। तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया एक बोल पे, देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे तरकारी बन के तैयार है। बहुत
बहुत ही अच्छा सा खुशबू आ रहा है, इसका स्मेल बहुत ही अच्छा है, तो इसे आप चाहे तो रोटी के साथ ले सकते हैं या फिर खाना के साथ। सिंपल सा रेसिपी है, आप सब भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हम बना लेंगे अब कद्दू का फ्राई। तो देख सकते हैं यहाँ का जो डांडी का पोर्शन होता है नीचे वाला, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, देख सकते हैं। इसको मैंने फिर वॉश कर लिया है, वॉश करके इसका जितना पानी है उसको मैंने निचोड़ लिया है। तो मैंने गैस पे कढ़ाई बिठा दिया है, तो मैं यहाँ पे डालने जा रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ तेल गर्म होने के बाद सौंफ, चाहे तो आप जीरा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप जीरा भी देंगे या फिर पाँच फोरन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सौंफ। यहाँ पे जब मेरा सौंफ का कलर चेंज होने वाला है, गोल्डन कलर हो चुका है, तो यहाँ मैं ऐड कर दूँगी जो मैंने कद्दूकस किया हुआ जो कद्दू था उसको मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। ध्यान रखिए यहाँ पे आपका फ्लेम हमेशा मीडियम में होना है। फिर यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। हल्दी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है, और फिर मैं यहाँ पे नमक ऐड कर दूँगी। नमक भी आपको कम लेना है, क्योंकि जब इसे मैं फ्राई करूँगी पकने के बाद ये अमाउंट में थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो हल्दी नमक आपको थोड़ा कम ही यूज़ करना है। तो इसे में हम हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे। जब हम इसे फ्राई करते हैं तो इसको हमें जमा नहीं करना है, देख सकते हैं इसका हमें चारों तरफ फैला देना है, ताकि जो इसका जो मॉइस्चर जो भी है तो वो एब्सॉर्ब कर ले या फिर सूख जाए। तो मेरा ये कद्दू का भाजी बन के भी तैयार है। आप सबका अगर सीखना है शॉर्टकट खाना पकाना, तो मामपिस किचन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।